हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ अनिल शर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल वॉइस वर्डप्रेस ग्रुप पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट आर द इनबाउंड एंड आउटबाउंड लिंक्स। इनबाउंड और आउटबाउंड लिंक्स क्या होते हैं दोस्तों, तो इस विषय में हम इस वीडियो में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इनबाउंड लिंक्स और आउटबाउंड लिंक्स क्या होते हैं, उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो आइए जानते हैं कि इनबाउंड लिंक्स क्या होते हैं और आउटबाउंड लिंक्स क्या होते हैं। दोस्तों, जब हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए काम करते हैं तो इसके अंदर एक जो है बैक लिंकिंग प्रोसेस होता है, यानी कि ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन होती है किस्म की। तो उसमें जो है बैक लिंक्स बनाए जाते हैं और बैक लिंक्स में जो है टू टाइप्स ऑफ बैक लिंक्स जो है वो होते हैं, जैसे इनबाउंड लिंक और आउटबाउंड लिंक। ये दो टाइप हैं, ठीक है, इनबाउंड लिंक और आउटबाउंड लिंक, ठीक है। तो दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि इनबाउंड लिंक क्या है और आउटबाउंड लिंक क्या है, ताकि आप इसे ज्यादा बेटर समझ सकें और इसका यूटिलाइजेशन कर सकें, यदि आप SEO कर रहे हैं या लिंक बिल्डिंग कर रहे हैं अपने लिए या इसके बारे में जानना चाहते हैं तो। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि इनबाउंड लिंक्स और आउटबाउंड लिंक्स क्या होते हैं और इसके थोड़ा डिटेल में जाते हैं। इनबाउंड लिंक्स, दोस्तों इनबाउंड लिंक्स क्या होते हैं ये जानते हैं, इसे मैं आपको जो है मतलब जो है इसके एक्सप्लेनेशन दूंगा थोड़ी सी, और इसके अलावा एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, और फिर थोड़ा लिंक का एग्जांपल दूंगा कि जिससे आप समझ पाएं कि इनबाउंड लिंक्स क्या होते हैं। तो आइए जानते हैं कि इनबाउंड लिंक्स होते क्या हैं। तो एन इनबाउंड लिंक इज अ हाइपरलिंक बैक टू योर साइट फ्रॉम अनदर वेबसाइट। जब कोई दूसरी वेबसाइट दोस्तों आपकी साइट को जो है लिंक बैक करती है, वहां से कोई लिंक छोड़ती है आपकी वेबसाइट के लिए, तो उसे आपका इनबाउंड लिंक कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, इनबाउंड लिंक्स को समझने के लिए मैंने एक छोटा सा इंफोग्राफिक बनाया है जिससे आप ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। दोस्तों, जैसे कि ये आपकी वेबसाइट है और यहाँ पर ABCD वेबसाइट्स हैं, मतलब जो अदर वेबसाइट्स हैं, और ये वेबसाइट जो है आपको लिंक बैक कर रही हैं अपनी वेबसाइट के पेजेस में या वेबसाइट के साइड बार में या कहीं भी आपका जो है लिंक इंसर्ट कर रही हैं, ABCD, ठीक है, और आपके लिए आपको लिंक बैक कर रही हैं और आपके लिए एक लिंक छोड़ रही हैं, तो इसे हम आपका इनबाउंड लिंक कहेंगे। ये चारों वेबसाइट जो है आपको लिंक बैक कर रही हैं, अपना आपका लिंक जो है अपनी वेबसाइट में ऐड कर रही हैं और लिंक बैक कर रही हैं, तो ये आपको एक एक इनबाउंड लिंक छोड़ रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपकी वेबसाइट को चार इनबाउंड लिंक्स मिल चुके हैं और ये चार इनबाउंड लिंक्स आपके लिए छोड़ रही है। तो इन जो मतलब सिंपली समझने की बात ये है कि जब कोई वेबसाइट, कोई अदर वेबसाइट, यानी कि ABCD आपकी वेबसाइट को लिंक बैक करती है, तो उसे हम आपका लिंक इनबाउंड लिंक कहते हैं, ठीक है। ये आपके लिए आपके इनबाउंड लिंक्स हैं जो कि आपको लिंक बैक कर रहे हैं, आपको क्रेडिट दे रहे हैं या आपको लिंक छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके आपको लिंक बैक कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे इनबाउंड लिंक। ये आपके इनबाउंड लिंक्स हुए, ये चारों ABCD जो वेबसाइट्स हैं वो आपको लिंक बैक कर रही हैं, और मतलब आप कोई अदर वेबसाइट जब आपकी वेबसाइट को लिंक बैक करती है या आपके URL को लिंक बैक करती है, हाइपरलिंक वहां पर ऐड करती है आपकी अपनी वेबसाइट में, तो ये आपका इनबाउंड लिंक माना जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपकी वेबसाइट के लिए चार साइटें जो है आपको लिंक बैक कर रही हैं और चार इनबाउंड लिंक्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो सिंपली दोस्तों, आप समझ गए कि जब भी कोई आपकी वेबसाइट को लिंक बैक करता है तो वो आपका इनबाउंड लिंक होता है। अदर वेबमास्टर या अदर कोई साइट ओनर जो है वो आपकी वेबसाइट को जब लिंक बैक करता है तो उसे आपका इनबाउंड लिंक कहा जाता है। तो इनबाउंड लिंक्स किसे कहा जाता है, ये थोड़ा क्लियर हो गया आपको। दोस्तों, इसको थोड़ा सा ज्यादा समझने के लिए एक और एग्जांपल है इनबाउंड लिंक्स का। जैसे कि सपोज ये मेरा एक ब्लॉग है, ठीक है, और इस ये मेरा ब्लॉग है और इस ब्लॉग को जो है, जैसे ये कोई दूसरी वेबसाइट है, ठीक है, voicefitnesstips.com, इसके एक पेज से यहाँ पर जो है इसको लिंक किया गया है। अगर आप नीचे देखें, इस पर क्लिक करें, तो यहां से क्लिक करने पर जो है आप इस वेबसाइट के किसी पेज पे पहुंचेंगे, तो इसको लिंक बैक किया गया है यहां से, ठीक है। तो ये लिंक जो है, ठीक है, ये इस वेबसाइट का इनबाउंड लिंक है, क्योंकि ये अदर वेबसाइट जो है मेरी वेबसाइट को जो है लिंक बैक कर रही है, तो इसे हम इसका इनबाउंड लिंक कहेंगे। इसी तरह से ये एक ये और वेबसाइट है जहां से इस वेबसाइट को जो है लिंक बैक किया गया है, ठीक है, तो ये भी इसका इनबाउंड लिंक है। इसी तरह से दोस्तों, ये एक टम्बलर ब्लॉग है,
ठीक है, जो पिछली वेबसाइट थी वो मतलब अदर वेबसाइट्स थी, और ये भी एक अदर वेबसाइट या ब्लॉग है, लेकिन ये टम्बलर पे, यानी कि वेब 2.0 वेबसाइट या ब्लॉग इसको कह सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें भी इसको लिंक बैक किया गया है, ठीक है, यहाँ पर मेन डोमेन को किया गया है और यहाँ पर बीच की पोस्ट को किया गया है, तो इसे हम क्लिक करके देख सकते हैं। तो इसी वेबसाइट को ये जो है मतलब लिंक बैक कर रही है, ठीक है, ये तीन वेबसाइट्स हैं, ठीक है, ये जो है मतलब जो है लिंक बैक कर रही हैं इस वेबसाइट को। तो इस तरह से ये मेरा ब्लॉग है और ये जो तीनों हैं इसको बैक लिंक कर रही हैं, तो ये मेरी वेबसाइट की ये जो है ये तीनों इनबाउंड लिंक्स बन जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरी तरह समझ आ गया कि इनबाउंड लिंक्स क्या होते हैं दोस्तों, ठीक है, काफी एक्सप्लेनेशन के बाद साथ मैंने आपको बताया। अब चलते हैं आउटबाउंड लिंक्स के ऊपर। तो दोस्तों क्या होते हैं आउटबाउंड लिंक्स, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, जैसे हमने इनबाउंड लिंक्स के बारे में समझा, तो आउटबाउंड लिंक्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आउटबाउंड लिंक्स आर लिंक्स दैट टू टेक यू एल्सवेयर, दीज आर लिंक्स दैट आर गोइंग टू डायरेक्ट फ्रॉम योर साइट टू अनदर स्पेसिफिक वेब पेज और वेबसाइट। दोस्तों आउटबाउंड लिंक्स वो लिंक्स होते हैं, आउटबाउंड लिंक्स वो लिंक्स होते हैं जो कि आपकी वेबसाइट से आपको कहीं और ले जाते हैं, यानी कि आपकी वेबसाइट से किसी और पेज को रेफर करते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कोई हाइपरलिंक है, उस पर आप क्लिक करते हैं और अदर वेबसाइट या अदर पेज पे पहुंच जाते हैं जो कि आपकी वेबसाइट से अलग है, यानी कि बाहर है, एक्सटर्नल पेज है। जब भी किसी एक्सटर्नल वेब पेज या वेबसाइट को आप जो है अपनी वेबसाइट में लिंक करते हैं तो इसे आपका आउटबाउंड लिंक कहते हैं, लेकिन उस वेबसाइट का वो इनबाउंड लिंक हुआ, ठीक है, उस वेबसाइट के लिए वो इनबाउंड लिंक है लेकिन आपके लिए आउटबाउंड लिंक्स है। तो जो आपकी वेबसाइट से जो लिंक मतलब जो है दूसरी वेबसाइट्स को या अदर वेब पेजेस को दिए जाते हैं तो उन्हें हम आपके आउटबाउंड लिंक्स कहते हैं। दोस्तों आउटबाउंड लिंक्स को समझने के लिए जो है मैंने एक छोटा सा इन्फोग्राफिक क्रिएट किया है आपके लिए, तो इसके जरिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आउटबाउंड लिंक्स क्या होते हैं। वैसे तो मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया, लेकिन एक इन्फोग्राफिक से भी समझ लेते हैं, ठीक है, ये ज्यादा हेल्प करेगा आपको समझने में। जैसे ये आपकी वेबसाइट है और ये ए बी सी डी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, लेकिन इनबाउंड लिंक्स में क्या होता है कि ए बी सी डी जो अदर वेबसाइट्स होती हैं वो आपको लिंक बैक करती हैं और आपकी वेबसाइट के लिए लिंक छोड़ती हैं, एक हाइपर लिंक क्रिएट करती हैं और एक लिंक छोड़ती हैं, तो उन्हें हम इनबाउंड लिंक्स कहते हैं। लेकिन आउटबाउंड लिंक्स में उल्टा होता है, आपकी वेबसाइट जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ये वेबसाइट्स हैं, इनके लिए लिंक छोड़ रही है अपने मतलब होम पेज से या इंटरनल पेजों से, इन वेबसाइट के को बैक लिंक कर रही है, ठीक है, उनके लिए हाइपर लिंक दे रही है, ठीक है। तो क्या होता है कि आपकी वेबसाइट से जितने भी लिंक जो है अदर वेबसाइट्स को जा रहे हैं उन्हें हम आपके आउटबाउंड लिंक्स कहते हैं, लेकिन इन वेबसाइट्स के लिए जो ए बी सी डी हैं इसके लिए इन इनबाउंड लिंक ही है, लेकिन ये आपका आउटबाउंड लिंक है क्योंकि ये आप किसी को लिंक बैक कर रहे हैं अपनी वेबसाइट से, ठीक है, थर्ड वेबसाइट को, किसी को, अदर वेबसाइट को, ठीक है। तो अपनी वेबसाइट से जो दूसरी वेबसाइट्स के लिए लिंक बैक किया जाता है या लिंक हाइपरलिंक्स क्रिएट किए जाते हैं उन्हें हम आपके आउटबाउंड लिंक्स कहते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए वो इनबाउंड्स हैं लेकिन आपके लिए वो आउटबाउंड लिंक्स हैं। तो आई होप कि इस ग्राफिकल एंड मतलब जो भी प्रेजेंटेशन है उससे आप समझ गए कि आपकी वेबसाइट से जो अदर वेबसाइट्स को लिंक जाते हैं उन्हें हम आपके आउटबाउंड लिंक्स कहते हैं, मतलब आपकी वेबसाइट से अदर वेबसाइट्स को लिंक जा रहे हैं तो उन्हें हम आपके आउटबाउंड लिंक्स कहेंगे। दोस्तों जैसे कि हमारा एक ब्लॉग है, इसमें हमने जो है मतलब एक मतलब अदर वेबसाइट को बैक लिंक किया है, जैसे हमारा एक आर्टिकल है, इससे रेलेवेंट कोई आर्टिकल है तो उसको हमने यहाँ पर इन कंटेक्चुअल लिंक दे दिया है, लिंक बैक कर दिया है, ठीक है। इसी तरह से हमने ये दूसरा हमारा एक ब्लॉग है, सॉरी दूसरा एक ब्लॉग का पेज है, तो इसमें भी हमने इस टॉपिक से रिलेटेड जो है दूसरा कोई पेज है उसको लिंक बैक कर दिया है यहाँ से, ठीक है, और इन कंटेक्चुअल लिंक दिया है। इसी तरह से एक और इन कंटेक्चुअल लिंक हमने यहाँ से दिया है, ये भी अदर वेबसाइट को जो हमने लिंक बैक किया है यहाँ पे, जो कि रेलेवेंट है इस आर्टिकल के और इस टॉपिक के और इस वर्ड के, ठीक है, तो यहाँ से क्लिक करके लोग उस पेज पे रीच कर सकते हैं। तो इस तरह से जो हम ज्यादातर इन कंटेक्चुअल बैक लिंकिंग करते हैं या साइड बार में कहीं इसको लगाते हैं या कहीं भी फूटर में लगाएं या कहीं भी लिंक बैक करते हैं अपनी वेबसाइट के होम पेज पे या अदर पेजेस पे अदर वेबसाइट्स को, तो वो आपके आउटबाउंड लिंक्स होते हैं, जैसे क्लिक करने से आप जो है एक अदर वेबसाइट पे पहुंच
पहुंच जाओगे और इस पे क्लिक करोगे तो अदर वेबसाइट पे आपको ये पहुंचा रहा है, जो कि मतलब जो आपका टॉपिक है उससे रेलेवेंट या उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करता है आपके व्यूअर को। ठीक है, तो इस तरह से जो ये जो मतलब लिंक्स हैं इन्हें हम आउटबाउंड लिंक्स बोलेंगे। ये आपकी वेबसाइट से अदर वेबसाइट को जो है लिंक बैक किया है, आपने अपनी वेबसाइट से अदर वेबसाइट को बैकलिंक किया है, तो ये उन लोगों के लिए तो इनबाउंड लिंक है, लेकिन आपके लिए ये आउटबाउंड लिंक्स हैं। तो ये आपकी वेबसाइट के आउटबाउंड लिंक्स हैं कि ये भी आउटबाउंड लिंक है और ये भी आउटबाउंड लिंक है, क्योंकि ये अदर वेबसाइट को रेफर कर रहे हैं। ठीक है, एक एक्सटर्नल लिंक आपने दिया है अपने पेजों में, तो हम एक्सटर्नल लिंक भी कह सकते हैं या आउटबाउंड लिंक कह सकते हैं। दोस्तों, आपने जाना कि इनबाउंड लिंक्स क्या होते हैं और आउटबाउंड लिंक्स क्या होते हैं। ठीक है, इनबाउंड एंड आउटबाउंड लिंक्स के बारे में आपने काफी डिटेल में जाना, काफी मैंने आपको बताया, और आई होप सो कि आप समझ चुके हैं कि इनबाउंड लिंक्स क्या होते हैं और आउटबाउंड लिंक्स क्या होते हैं। तो अब थोड़ा सा एक छोटा सा सवाल है कि विच वन इज बेटर फॉर यू, कौन सा आपके लिए बेटर है। अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अपनी वेबसाइट की कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हैं, तो नेचुरली उसके अंदर आप ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, उसके अंदर जो है बैकलिंकिंग प्रोसेस होता है और उसमें इनबाउंड एंड आउटबाउंड लिंक्स होते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा सवाल है कि विच वन इज बेटर फॉर यू, कौन सा मतलब जो है आपके लिए बेटर है, इनबाउंड लिंक्स या आउटबाउंड लिंक्स, मतलब इसमें से कौन से बनाना बेटर होगा। तो मैं आपको यहाँ पर अपने ओपिनियन के हिसाब से कहना चाहूंगा कि आप इनबाउंड लिंक्स ज्यादा बनाइए। ठीक है, आपके ज्यादा ज्यादा इनबाउंड लिंक्स होने चाहिए और आउटबाउंड लिंक्स बहुत ही कम होने चाहिए, ना हो तो बेटर है। लेकिन अगर आप टॉप की साइट्स इन द सेंस जैसे विकिपीडिया हो गया, गूगल हो गया, या कोई बड़ी वेबसाइट है, मतलब कोई भी मतलब किसी भी टॉपिक पे, जैसे मान लीजिए हेल्थ के टॉपिक पे, आईटी के टॉपिक पे, जो भी आपका टॉपिक है उससे रेलेवेंट कोई भी वेबसाइट है जो टॉप सर्चेज में आती है, यानी कि टॉप की वेबसाइट है, उसे भी आप अगर आप कोई आउटबाउंड लिंक देते हैं तो वो बेटर है आपके लिए। लेकिन हर वेबसाइट को आउटबाउंड लिंक देना ठीक नहीं है, और जो एक्सटर्नल लिंक है यानी कि आउटबाउंड लिंक्स हैं वो कम से कम आपको देने चाहिए, या हो सके तो ना देने चाहिए, या फिर बहुत ही टॉप लेवल की वेबसाइट को अपने आउटबाउंड लिंक देने चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा सजेस्ट करूंगा, बट आपके इनबाउंड लिंक्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए और आउटबाउंड लिंक्स या तो ना हो या बहुत कम हो या फिर टॉप की वेबसाइट्स को। ठीक है, तो हर वेबसाइट को आप आउटबाउंड लिंक मत दीजिए, तो इससे आपकी जो है रैंकिंग पे असर पड़ सकता है। तो आउटबाउंड लिंक्स कम से कम या ना के बराबर हो और या फिर टॉप की वेबसाइट्स को हो। तो ज्यादा से ज्यादा आपको इनबाउंड लिंक्स बनाने हैं, तो आपके लिए कौन से गुड है, विच वन इज बेटर फॉर यू, जो कि सवाल है, तो इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इनबाउंड लिंक्स जो है अपने लिए क्रिएट कीजिए या बनाइए या बनवाइए। ठीक है, और अगर आपको ज्यादा ज्यादा इनबाउंड लिंक्स मिलते हैं तो सर्च इंजन रैंकिंग में आपकी वेबसाइट जो है इंप्रूव करेगी। और पर एक शर्त और है कि इनबाउंड लिंक्स जो है वो हाई क्वालिटी वेबसाइट से या बेस्ट वेबसाइट से होनी चाहिए, ना कि लो क्वालिटी वेबसाइट से, या फिर एक ही वेबसाइट से बहुत सारे लिंक्स आने, लिंक स्पैमिंग नहीं होनी चाहिए। तो मतलब क्वालिटी ऑफ लिंक और लिंक किस तरह से दिया जा रहा है, एंकर कौन सा यूज किया जा रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, लेकिन इनबाउंड लिंक्स जो है आपकी ओवरऑल जो है आपकी एसईओ रैंकिंग को इंप्रूव करते हैं। तो इनबाउंड लिंक्स आपको ज्यादा से ज्यादा और बेस्ट क्वालिटी साइट से मतलब अच्छे तरीके से और प्रॉपर एंकर के साथ, जिस पे आप रैंक करना चाहते हैं उसके साथ, वो वहां से लिंक बैक आपको होने चाहिए। तो इनबाउंड लिंक्स आपके लिए बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, अगर ज्यादा ज्यादा आपके इनबाउंड लिंक्स और आउटबाउंड लिंक्स ना के बराबर या थोड़े बहुत हों, या फिर टॉप की साइट्स को ही आप दें। ठीक है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, इनबाउंड लिंक्स ज्यादा ज्यादा बनाइए और अपनी सर्च इंजन रैंकिंग को इंप्रूव कीजिए। बाकी ये वीडियो इनबाउंड और आउटबाउंड लिंक्स की डिफरेंस को बताने के लिए था, तो आई होप कि आपने वो जाना और आपके लिए कौन से मतलब लिंक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ज्यादा मायने रखते हैं, तो वो इनबाउंड लिंक्स हैं अगर आप कोई वेबसाइट या ब्लॉग चला रहे हैं जिसे आप अच्छे तरीके से रैंक करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो इनबाउंड लिंक्स ज्यादा से ज्यादा हासिल कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा कि या आपके अपना व्यूज दीजिए कि आपको कैसा लगा वीडियो। ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और नए और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। यदि कोई इसमें आपका सजेशन है तो वो भी आप दे सकते हैं, तो हम आपके कमेंट्स का वेट करेंगे। बाकी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। Thanks for watching my video. Have a nice day, friends. Subscribe Wise WordPress Guru.